बरगाड़ी 7 साल हुए हैं, उत्थे मोर्चा लग्या होया सी। उदण ही ये किन्ना साडे ते नून छिड़कोगे, किन्ना तुसीं साडे ते सानू तड़फाओगे इस गल च। उदण ही उस जिहड़ा सब तो वड्डा जिहदा रोल सी बाबे दा, बाबा तां कहना नहीं चाहिए, बुच्चड़ की गल करो ये बाबा बाबा, वो खास तौर पर उदण ही उन्होंने बेल दिती जा रही है, परोल दिती जा रही है 40 दिन। हरियाणे की सरकार जिहड़ी खट्टर सरकार आ, वो किते ना किते मैनू मिली भुगत लगती है, सिर्फ राजनीति सियासी राजनीति ते एक इंसाफ ना देने वाली गल आ जिहड़ी वो सामने आई है। 40 दिन की पैरोल ते जेल तो बाहर आए राम रहीम दा मामला काफ़ी ज़्यादा गरमाया होया है। तुहानू दस दिए कि गुजरात हिमाचल दिया विधानसभा चोणां अते हरियाणा की जिमनी चोण तो पहला राम रहीम नूं ए पैरोल दिती गई है, जिसनूं लैके लुधियाणा तो मैंबर पार्लीमेंट रवनीत बिट्टू का बड़ा बयान सामने आया। जी हाँ, तुहानू दस दिए कि रवनीत बिट्टू इस मामले दे विच भड़कते हुए नज़र आए, उन्हां राम रहीम नूं बुच्चड़ कह के भी संबोधन किया। नहीं नहीं, उन्हें कहा कि भाजपा अपनी वोट बैंक की राजनीति दे लई ये सब कर रही है, जो कि उन्होंने लीडर इस नूं कानून की प्रक्रिया दस रहे ने। उन्हें कहा कि बरगाड़ी मोर्चे नूं 7 साल पूरे हो चुके ने, उस नूं जान बुझ के 7 साल पूरे होने ते ही पैरोल दी गई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लुधियाणा तो लखविंदर सिंह, पंजाबी लोक चैनल। राम रहीम नूं लैके पेरोल मिली जा रही है लगातार, और इस चीज़ का सवाल भी खड़े हो रहे हैं, की कहना चाहते? देखो, मैं उही तां इह गल करदा ना, बीजेपी अज मैं उन्होंने स्पोक्सपर्सन भी सुन रहा, बड़े लीडर ये कह रहे थे कानून ते गल। देखो, एक पासे तो कल असी बरगाड़ी 7 साल होए आ, उत्थे मोर्चा लग्या होया सी, उदण ही ये किन्ना साडे ते नून छिड़कोगे, किन्ना तुसीं साडे ते सानू तड़फाओगे इस गल च। उदण ही उस जिहड़ा सब तो वड्डा जिहदा रोल सी बाबे दा, बाबा तां कहना नहीं चाहिए, बुच्चड़ की गल करो ये बाबा बाबा, वो खास तौर पर उदण ही उन्होंने बेल दिती जा रही है, परोल दिती जा रही है 40 दिन की। तुसीं ये अंदाजा तो लाओ भी यह क्यों हो रहा, इहदे पिछे कारण की ने। मैं किसी ते इल्जाम नहीं लाउंदा, पर उदण ही सेम डे भी जिद्दण उधर हिमाचल की इलैक्शन डिकलेयर हो रही है, उधर हरियाणे की जिहड़ी बाय इलैक्शन हो रही है, उधर ये शक पैदा होंदे आ भी क्यों बाबे नूं जिद्दण बरगाड़ी दे 7 साल हो रहे केसां दे विच उत्थे सुनवाई नहीं, उत्थे असी सारा पंजाब इकट्ठा होया सी, उधर तुसीं बाबे नूं परोल दे रहे हो। इस करके कते ना कते ये बहुत एक शक दे घेरे च ये गल्लां आ जांदियां भी तुसीं इंसाफ देना भी चाहुंदे हो, जां कते ना कते तुसीं ऐसे सवाल खड़े हो जांदे आ भी कते ना कते ये हरियाणे की सरकार जिहड़ी खट्टर सरकार आ, वो किते ना किते मैनू मिली भुगत लगती है, सिर्फ राजनीति सियासी राजनीति ते एक इंसाफ ना देने वाली गल आ जिहड़ी वो सामने आई आ, ते इहदा संघर्ष चल रहा, लड़ांगे। इस करके ये थोड़ी आ भी हुण उतो पिछे हट जाएंगे, पंजाबी कदे पिछे नहीं हटदा। सर, वीडियो पा रहे, लाइव वीडियो पा रहे ने अपने डेरे तो, वो तो चलो हुण यही तां मैसेज दवाना हरियाणे बीजेपी वालिआं ने भी मैनू छड्डिआ ए खुल्ला, तो भाई आशीर्वाद कह तो वोट ही रहे आदमपुर की इलैक्शन लिए, होर की कह रहे हिमाचल की इलैक्शन लिए, यही कुछ सीधा इंडीकेशन है। पर लोग वो गल्लां नहीं आई पंजाब दे वेले कली कली सीट ते आई टेलीफोन करवाए सी डेरे की वोट करके ही सब कुछ हो रहा या राजनीति पार्टियां, मैं हुण की कहां तुहानू, होर ये सब खेल राजनीति पार्टियां जिहड़ियां, चाहे मैं भी उहदे राजनीति पार्टी का एक MP हाँ, पर राजनीति पार्टियां जदों इह जिहियां वोटां दी राजनीति करदी आ ते उहदे उत्ते वड्डे तो वड्डे मुद्दे गुरु ग्रंथ साहिब दे मुद्दे ते, ते मैं समझदा बहुत ही निंदणी गल आ। मतलब इह कितें इस कचहरी च मैं कहना इन्हां नूं माफ़ी नहीं मिलनी जिन्हें ये काम किया।